आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। अगली 500 करोड़ी मूवी लेकर लौटे रोहित शेट्टी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और रणवीर सिंह स्टारर निर्देशक रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सिंघम अगेन आज फ्लोर पर चली गई। इस फिल्म का फ्लोर पर पहुंचने से पहले मुहूर्त पूजा का लेटेस्ट तस्वीर भी सामने आई है। इन तस्वीरों में सुपरस्टार अजय देवगन के साथ रणवीर सिंह भी सिम्बा लुक में नजर आए, जिसके बाद फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। सामने आई लेटेस्ट तस्वीरों में सुपरस्टार अजय देवगन और रोहित शेट्टी के साथ रणवीर सिंह भी विधि विधान से पूजा करते दिखे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही मूवी की शूटिंग आज से ही शुरू कर दी गई है। इन तस्वीरों को आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अजय देवगन स्टारर रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी उनकी सुपरहिट सिंघम फ्रेंचाइजीज की तीसरी फिल्म है, जबकि सिंघम सीरीज के साथ शुरू हुई ये निर्देशक रोहित शेट्टी की कैरियर की चौथी कॉम यूनिवर्स की फिल्म होगी। इस फिल्म में सिम्बा लुक में रणवीर सिंह भी बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाते आप सभी को नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि मूवी सिंघम अगेन अदाकारा दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली हैं। दीपिका पादुकोण फिल्म में अजय देवगन की बहन का किरदार निभाएंगी, साथ ही उनका किरदार फीमेल पॉप का होगा, जबकि अजय देवगन के अपोजिट लीड रोल में अदाकारा करीना कपूर खान ही नजर आने वाली हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें निर्देशक रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को अगले साल 15 अगस्त 2024 तक रिलीज करेंगे। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी अभी से ही लोग कयास लगाने लगे हैं कि ये फिल्म बॉलीवुड की अगली 500 करोड़ कमाने वाली मूवी होगी। इस फिल्म अजय देवगन के साथ रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर खान की स्टार पावर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकेगी। तो इस पे आपकी क्या राय है इनकी आने वाली फिल्म सिंघम की फ्रेंचाइजी पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।